आदेश हुआ जिस पार्टी को है तो बैनामा कराया। बैनामा के बाद जो है कंप्लेंट किया गया, कंप्लेंट के बावजूद ये बनाते रहे। प्रकरण ये है कि अरशद जमाल पार्क की जमीन पे अवैध अतिक्रमण करके उसको पार्क न करके अपनी पार्किंग पूरा कर लिए हैं। इस संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत किया था, वहाँ से आर्डर आया था यहाँ राजस्व विभाग में, वो इसी प्रकरण के असली निरीक्षण के लिए मौके पर आए थे। तो कितना कब्जा किया, क्या है कुछ कब्जा? तो जो मुकदमे के मुताबिक 8.5 फीट जो है आर्डर हो चुका है, बाकी जो है इन्होंने 7 कड़ी जो है बैनामे से कब्जा किया है, अवैध बैनामे से जो भी मार्केट की जमीन जो है पार्क की है, और उसके अलावा पूरे पार्क में आप मौके पर देख लीजिए कि कहाँ नहीं कब्जा है। उसमें लिखित में उतना कब्जा है, लेकिन और जो है वहाँ मौके पर कितना कब्जा है, वही रास्ता है, वही उनका गाड़ी का रखने की जगह है, वही उनकी पार्किंग है, सब कुछ वही है। क्या बनाया था इन्होंने, क्या बनाया पार्क की जमीन पर? पार्क की जमीन पर जो है ये दुकान अपना दुकानें रखवाती हैं और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पार्किंग है इनकी। घर भी बनाया, मस्कन मस्कन तो इनका जो है 8.5 फीट जो है जो पास से सटे हुए रास्ता है, जमीन है, उस पर इन्होंने बना लिया है। उस पर आदेश भी है, वो अपील में चल रही है। आदेश किस तरीके का है? आदेश मास्टर प्लान में ये है कि इन्होंने अपने मकान से पूरब दिशा में सार्वजनिक जमीन, रास्ता 5 फीट 3.5 फीट रोड वाइडनिंग, और जो है अपने मकान के दक्षिणी दिशा में 3.5 फीट इन्होंने इन्फोर्समेंट कर दिया। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है, जिसके खिलाफ ही अपील में है, डीएम साहब के अपील लंबित है। कितने सालों के बाद आज जो टीम आई हुई है? आज जो टीम जो है ये शिकायत के बाद जो है करीब करीब हम लोगों ने छोड़ दिया था कि ये पूर्व चेयरमैन श्री तैयब पालकी साहब आए हुए हैं, कम से कम जो ये निष्पक्ष तरीके से पार्क को जो है माननीय हाईकोर्ट के आदेश जो है जुनेद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में जो डायरेक्शन है, इसको डिमार्केट करके इसको इसका बाकायदा जो है बाउंड्री वॉल कराएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। 5 साल में हम लोग गांव मोहल्ले और सब लोग भरोसे में थे कि हो सकता हो जाए, आजकल करते करते जब नहीं हुआ तो ये शिकायत की गई है मुख्यमंत्री के यहाँ से, उसी शिकायत के निस्तारण के लिए और जहाँ स्थलीय निरीक्षण के लिए आए थे। क्या लगता है, न्याय मिलेगा? हाँ ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमारे लिए रास्ते बहुत हैं। और यहाँ के गरीब बुनकर, यहाँ तक कि मैं अधिवक्ता हूँ, मैंने भी अपने पास से फंडिंग किया है। और यहाँ पे ये जावेद है, इनके पास जो है 1 लूम है, इन्होंने फंडिंग किया है, गांव मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने फंडिंग किया है। आरोप लग रहा है पूर्व चेयरमैन साहब ने फंडिंग किया है। चेयरमैन साहब अगर फंडिंग किए होते तो 5 साल इनकी रिजिम थी, 5 साल में इनके अंडर में सब कुछ था, हाईकोर्ट का आर्डर था, इन्होंने पार्क के लिए कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे छोड़ दिया। ये आरोप खुद आपके साथ रहने वाले साथी लगाया है? मेरे साथ रहने वादी मुकदमा अनीस अहमद, अनीस अहमद, तो अनीस अहमद से पूछिए, वो वहाँ पे आते जाते थे, सब कुछ है, वही उनके खासम खास थे, जब भी जैसे भी रहा 5 साल तो उनके साथ थे, अभी इनकी रिजिम बदरी इधर आ गए, पहले भी रहे होंगे ये, अब क्या लिए हैं क्या दिए हैं वो जाने। मैं जावेद अहमद एडवोकेट हूँ और अरशद जमाल के मुकदमे के बाबत मैं इनका वकील हूँ। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि कुछ लोगों को किसी के सुख से तकलीफ हो रही है, अपने दुख से परेशानी नहीं है, दूसरे के सुख से परेशानी है कि क्यों वो आसानी से है, क्यों मतलब ये कि परेशान क्यों नहीं हो रहा है। अब वो आदमी जो है बैनामे की उनकी ज़मीन है, 80 कड़ी ज़मीन उन्होंने बैनामा लिया है और 80 कड़ी से बहुत कम ज़मीन पर उनका कब्जा दखल है, बकिया ज़मीन अभी छूटी हुई है। ये सहन जो देख रहे हैं ये सहन जो है उन्हीं का है, यहाँ से इधर का, यहाँ हम लोग पीछे खड़े हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग अपना जो है मनमानी कर रहे हैं, अनुगाई के चक्कर लगा रहे हैं। आज क्या हुआ, कौन लोग आए थे, क्या? कुछ लोग कंप्लेन किए हुए हैं, कंप्लेन बहुत पहले भी लोग किए थे, यहाँ से हाईकोर्ट तक गए, हर जगह हार गए, अब हिम्मत नहीं वहाँ जाने की, इसलिए कि वहाँ कोर्ट इंतजार कर रही है कि हमें तो इनको कैसे इनका पनिशमेंट जो है दिया जाए। क्या आरोप लगा है इन पर? आरोप ये लगा है कि इन्होंने जो है अतिक्रमण किया है, जबकि इसके पहले कई बार सीमांकन हुआ, चिन्हित हुआ, इसमें रिपोर्ट आ गई है कि कोई जो है अतिक्रमण का नहीं है, यही मैं। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि नगर पालिका के पार्क की जमीन को रजिस्ट्री करा दिया? नहीं, नगर पालिका की कोई जमीन नहीं है, मूल जमीन जो है, मूल का सरकार जो था जिससे नगर पालिका ने एक्वायर किया था, उसकी जमीन अभी टोटल नहीं एक्वायर हुई थी, जो बची थी तो उसने मतलब ये बेच दिया है बैनामे से, रजिस्टर्ड बैनामा हुआ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लैंड लॉर्ड है वो रहेगा। नाम है आपका? अनीस अहमद। मिला यही है कि इन्होंने चेयरमैन साहब ने अपनी ज़मीन जो खरीदा है अपने घर के मकान के सामने,
7.5 करीब जमीन बैनामा करा लिए हैं 4/4/2017 को, 4/4/2017 को इन्होंने बैनामा कराया और ये फिर बैनामा जाके सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ लगाया गया। उसके बाद वो दाखिल खारिज भी हो गया और मुझको, मेरी जहाँ तक बात है, मुझको लोग बहकावे में ला करके किस तरीके से मुझको मोहरा बना के आगे आगे कर लिए। जब मैं पीछे हो गया तो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे ले करके इनके साथ मिलजुल करके और कई एक मुकदमे को इन्होंने खारिज करवा दिया। कितने साल तक लड़ते रहे आप? कितने साल तक लड़ते रहे? अरे 2013 से लड़ रहे हैं आप जी। और अच्छा, साथ आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि अर्शद जमाल साहब ने गलत किया जब आप लोगों ने मुकदमा किया था? मुझको तो इधर नहीं, जब आपने मुकदमा किया, शुरुआत मुकदमे की आप ही ने किया, बाद में मुकदमा था जमाल 2013 में उनके ऊपर मुकदमा हुआ, 2017 तक चला। 17 के बाद मुझको ये समझ में आया कि ये गलत हो रहा है। अब ये सब इधर उधर से घुमा फिरा करके तैयब पालकी का हाथ ले करके उनसे पैसे ले लेके और दूसरे को अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी समझ ने पैसे लेकर के जो आरोप लग रहा है चेयरमैन साहब के ऊपर कि उन्होंने कब्जा करके घर मस्कन बनाया है, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है, कब्जा करके मकान नहीं बना, इनका मकान बना, उसका मुकदमा हुआ था, फिर वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की से आदेश हुआ और वो इनके इन्होंने तो दोनों दो बैनामे से इन्होंने जमीन खरीदी है। अच्छा, मुकदमा करने से पहले आपको क्या ऐसा महसूस हुआ था कि अर्शद जमाल साहब ने गलत किया है? क्या गलत किया था कि आपने मुकदमा किया था? नहीं, ऐसा है कि अर्शद जमाल ने कुछ गलतियाँ की थी उस टाइम में। किस तरह की? बाद में इसी तरीके की, यहाँ जो मामला चल रहा है इसमें यहाँ रोड निकाल, क्या मामला चल रहा था, रास्ता बना रहे थे यहाँ से 22 फुट चौड़ा और 75 मीटर लंबा, तो ये रास्ते का विरोध हुआ, तो रास्ते के विरोध खत्म हो गया, इन्होंने टेंडर वेंडर सब वापस कर दिया। अब इसके बाद कोई विवाद ही नहीं था, लेकिन उधर से दबाव और कुछ लोग थे कि दबाव ना बना करके मुझको आगे करते रहे। 10 साल तक आप गुमराह ही समझ कर लिए थे। अच्छा, कौन लोग थे? लेकिन पिछली बार तो आपका बयान कुछ अलग ही था, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल पहले की पोजीशन अलग थी, करने वाले इधर गुमराह तो इधर हुआ हूँ, गुमराही में थे ना। अभी तक गुमराह से 10 सालों से गुमराह चल रहे थे, आज जाके आँख खुली आपकी? अरे आज आँख क्यों नहीं खुलेगी, आज तो गुमराह नहीं हूँ, फिर भी कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर के 10 मुकदमा इन्होंने खारिज करवा लिया है। अच्छा, मुकदमे की फंडिंग कहाँ से होती थी जब आप लोग शुरू में चुनाव लड़ते थे? अरे आप लोग मुकदमा लड़ रहे थे तो फंडिंग तो कई तरह से होती रही। कहाँ नाम बता दे, बिल्कुल कैया पालकी के वहाँ से ज्यादा फंडिंग होती रही। कितना? कितना का मतलब ये मत, आपको कितना मिला? आपको कितना मिला उस समय? मुकदमे का खर्चा उन्होंने दिया था, कितना? कितना नहीं दिया था हमको, 1 रुपया दे के वो नहीं खरीद सकते। तो कितना पैसा दिया था मुकदमे लड़ने के लिए? मुकदमे का कोई और पेवन है कि बतावे कि 2000 दिए थे कि 50। और कौन चेहरे थे इसके पीछे? इसके चेहरे तो बहुत सारे लोग थे, आज जो दरखास्त दिए हैं वो भी इसके पीछे चेहरा था। लग रहा है चेयरमैन साहब के हारने के बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, तो आप थोड़ा सा? नहीं, चेयरमैन साहब के हारने और जीतने के बाद नहीं, 2017-2020 से मैं चेयरमैन साहब का साथ छोड़ दिया हूँ। 16 मार्च 2020 से उनका साथ छोड़ दिया हूँ, इसलिए कि एक मामले में उनको हमको क्लीन चिट देना था तो हमने दे दिया।